ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये डेमोलिशन ड्राइव बिल्कुल गलत है। उसका कारण है कि डीसी के पास इनकी जो रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है कि ये जगह हमें अलॉट कर दी जाए, और वो नीचे से फॉरवर्ड होकर इनके बताए मुताबिक कि वो डीसी के पास पेंडिंग है, आज उसी डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया इसको डिमोलिश करने के। अगर हम बात करना चाह रहे हैं अफसरों से, अफसर बात करने को भी यहाँ तैयार नहीं है। ये जानबूझ के ये धर्म की ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सबसे पहले उन्होंने धार्मिक स्थलों को टारगेट किया है। ये है ना गवर्नमेंट प्लॉट है, गवर्नमेंट प्लॉट, इट इज़ ए गवर्नमेंट लैंड, इट इज़ स्टेट प्रॉपर्टी। तो इस पे है ना अवैध कब्जा था गुरुद्वारे का। मंदिर का अलग प्लॉट है, गुरुद्वारे का अलग प्लॉट है, बीच वाला प्लॉट जो है वो सरकारी प्लॉट है, तो उस पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई पेंडिंग नहीं, कोई स्टे नहीं।